कि सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका खरीदने में जवाब नहीं है। और ये सतीश जी नहीं कह रहे हैं, ये सतीश जी वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है, पिछला इतिहास बता रहा है, पिछले दिनों का जितना सब कुछ है और उसके तमाम राज्य मौजूद है। आपके पास कर्नाटक भी है, आपके पास में मध्य प्रदेश भी है, आपके पास में कोशिशें जो है राजस्थान में भी हुई थी, आप गोवा में आप देख सकते हैं। तो मतलब जहां कहीं भी आप चर्चा करेंगे तो आपको मिल जाएगा पहली बार, तो उस बात से मैं भी मुतमईन हूं। दूसरी बात, ये एक बात चल रही थी उसी पे कहता हूं कि कहीं नहीं हम ये कह रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग कोई एक जो है बड़ा मूवमेंट सा हो गया है, लेकिन वो प्रभाव डाल रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। मैं आप एक चीज बताऊं, क्योंकि आपने तो कई मेरे वीडियो लाइव के भी देखे हैं कि मतदान करके निकलते हुए लोगों से जब मैंने बात की तो कई लोगों ने बताया कि हाँ हमें ये मिल रहा है खाने को, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इतना तो आराम है, फिर अब क्या है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सही है कि आप देखिए कि क्या वो यादवों को नहीं मिल रहा है, या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, या कुछ और लोगों को जो नाराज है और बीपीएल परिवार में उन्हें नहीं मिल रहा है। मिल तो लगभग लगभग रहा है, जो जो भी उस श्रेणी में आते हैं, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है उसकी भी नाराजगी है, आपको एक चीज बताएं, वो भी जी नाराजगी है, कुछ लोगों को नहीं जी मिल रहा है। जी और उसके साथ साथ जिन्हें नहीं मिल रहा है उसके अलावा जिनको मिल रहा है उनमें तमाम को सड़ा अनाज मिल जा रहा है, और सड़ा अनाज जब मिलता है तो और ज्यादा गुस्सा होते हैं, और सरकार के प्रति गुस्सा आती है उनकी कि सड़ा खिला रहे हैं, सड़ा दे रहे हैं। तो आप ये समझिए, तो इन सारी बातों से के ये भी सामने देखने को आए हैं और इन चीजों को लेके नाराजगी देखने को मिली। लेकिन मैं फिर एक चीज कहता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव मुझे जातिगत होता ज्यादा दिखता है। मैं आपको आज एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक मेरी जमीन है बहराइच जिले में, कैसरगंज क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र वहां पर। तो अब उस गांव के जो पूरा वो है, वहां 2000 वोट हैं करीब, और मैं आज पूछ रहा था वहां पर, तो ये पता चल रहा था कि पंडितों ने तो थोड़ा सा वोट बटा है, कुछ लोग तो सपा को दे के आए हैं लेकिन ज्यादातर भाजपा को दिए हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो कहते हैं यादव और मुसलमान ने तो दिया है पूरी तरह से सपा को, लेकिन पाल है, निषाद है और ये है, इनके वोट जो है भाजपा को ही गए हैं अधिकतर, चंद लोग पर्सनल उसको छोड़ दीजिए तो उनके गए हैं। तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि पिछड़ा कह के आप सोचिए सारे वोट बट गए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत चंद है। लेकिन एक बड़ी चीज है कि हर सेगमेंट में, चाहे राजपूत रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे बनिया रहा हो, या चाहे कायस्थ रहा हो, या चाहे पिछड़ी जातियां रही, सबसे वोट कुछ ना कुछ टूटा है जो समाजवादी पार्टी को गया है, और समाजवादी पार्टी का वो वोट इंटेक्ट है जो उसको मिलता हमें सामान्य तौर पे दिखाई दे रहा है। जी उसके बाद में तीसरा, लाभार्थी का जो लाभ मिल रहा है वो उन्हीं जातियों से मिल रहा है जो जातियां उन पर हम्बली विश्वास करती हैं, जी लेकिन जो नाराज है वो बिल्कुल नहीं दे रहे, नंबर एक, वो जातियां नहीं दे रही, और जिन्हें सड़ा अनाज मिला है या जिनके घर के लोग कोरोना में जिन्होंने खोए हैं वो वोट नहीं दे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सेगमेंट ये तैयार हो गया है लाभार्थियों में भी जो विरोधी है, तो वो एक है। उसके बाद में लाभार्थियों में एक और विरोधी है जो बेरोजगार हो गए और मजबूरी में जो परिवार के लोग ले रहे हैं, आज उसके लिए इधर उधर दौड़ते घूम रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, तो वो लोगों में नाराजगी है कि आखिर हमें इस हालत में ला के खड़ा कर दिया है जिसके कारण आज हम इस हालत में आ गए। तो जी बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इतने कॉजेज हैं जो नाराजगी के हैं। अच्छाई के आपको सिर्फ एक मिलता है कि क्या कर दिया मोदी जी ने, अरे मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा रहे हैं, तो एक चीज। नंबर दो, ये मतलब मोहम्मद कम्युनिटी से, ये अब बिल्कुल राइट टाइम है, आप समझिए। तो ये एक उसको संतोष है कि उनको दबा दिया है, तो
तो ये वाला जो वोट है वो मिल रहा है या जो कुछ जातिगत गणित बैठता है उससे मिल रहा है, शेष हर कम्युनिटी से हर जाति से उनका वोट टूट रहा है।